आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी लोग विदित है आपको कि आज हम लोग गुरु जी से जो है एक सुखद पल की अनुभूति हेतु कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरु जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसी प्रश्नों की कड़ी में आज हम अपना तीसरा प्रश्न, या कह सकते हैं हम अपना एक बहुत ही अद्वितीय अप्रतिम प्रश्न लेकर के आए हैं गुरु जी के समक्ष। वो ये है, गुरु जी आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आत्मा का स्वरूप गीता के अकॉर्डिंग क्या है, या गीता में आत्मा का जो स्वरूप वर्णित है वो वास्तव में कैसा आत्मा का स्वरूप है। गुरु जी आप इसका उत्तर। अग्निज आपको बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आपने जो बहुत ही बुनियादी प्रश्न है वही आज किए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों से अस्तित्व मोटिवेशन के सभी दर्शकों को निश्चित कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। साथियों, इनका प्रश्न ये है कि गीता में आत्मा का क्या स्वरूप है, उस पर क्या प्रकाश डाला गया है। तो आप सबको याद होगा कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखे हैं तो हमने जब मानव मन की और ब्रह्मांडी ऊर्जा की बात की होगी तो वहाँ पर एक बात बताई थी कि मनुष्य के अस्तित्व में एक जो सबसे विशेष ऊर्जा है उस ऊर्जा को आत्मा कहा गया था। जहाँ तक बात गीता की आती है तो गीता ने तो इसको इस प्रकार से कहा कि नैनम चिदंत दैहिक पावक। आप सब जानते हैं कि इस ऊर्जा को दुनिया के किसी भी फोर्स से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो ऐसी अटल ऊर्जा है जिसको आत्मा कहा गया है। यद्यपि वैदिक दर्शन में आत्मा को चैतन्य स्वरूप प्रदान किया गया है कि एक ऐसी चेतना है जो किसी भी एंगल से, किसी भी आउटर सोर्स से इम्बैलेंसिंग कंडीशन को नहीं प्राप्त हो सकती है, उसको नहीं स्पर्श इस तरीके से किया जा सकता है कि जैसे उसका विनाश किया जा सके। तो इसका इतना मतलब हुआ कि भगवान कृष्ण के शब्दों में कि अर्जुन, जो लोग आत्मा को मृत मानते हैं, जैसे अर्जुन ने भी बिगिनिंग में गीता में यही कहा कि जो मेरे स्वजन खड़े हैं इन सबकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसी प्रसंग में सबसे पहला उपदेश और सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण कहते हैं वो यही कहते हैं कि अर्जुन, जिन लोगों को तुम देखते हो अपने स्वजनों को, तुम्हें लगता है कि इनको मैं मारूंगा, तुम इनके किस फॉर्म को मार सकते हो, तुम्हारी पहुंच केवल इनके शरीर तक है, दुनिया के किसी भी शस्त्र की पहुंच केवल शरीर के विनाश तक ही सीमित है, आत्मा का विनाश करने की हैसियत आपके किसी हथियार में है नहीं। तो यहीं से बात आत्मस्वरूप की शुरू होती है। तो इसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि आत्मा वह अवस्था है, वह ऊर्जा है जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वह तुम्हारा असली स्वरूप है। और इसकी अगली कड़ी में जब इसके स्वरूप की ही चर्चा कर रहे हैं तो इसका स्वरूप वही है जो परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात परमात्मा की आंशिक ऊर्जा को कह सकते हो आप। परमात्मा की बहुत बृहद ऊर्जा है तो उसका कुछ छोटा सा अंश तुम्हारी उस आत्मा में है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक्चुअली अपने आप में परमात्मा ही है। तो माने ये कि दुनिया की ये सारी चीज़ें जिस किसी भी ऊर्जा से उद्गमित हुई, उत्पन्न हुई, तो हम भी उसी का पार्ट हैं। तो हमारा जो असल स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, इसलिए दुनिया के समस्त बलों में आपका आत्मबल ही सर्वोपरि कहा गया है। तो जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ रहता है, जो व्यक्ति आत्मोपलब्ध हो जाता है, जो व्यक्ति आत्मा की सत्ता को जान लेता है, फिर वह इस जगत में निर्भय होकर विचरण करता है। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी संसार के एलिमेंट से परेशान नहीं किया जा सकता, वो ऐसी इटर्नल बीइंग होने की स्टेज को प्राप्त करता है। तो गीता में आत्मस्वरूप पर चर्चा के लिए बहुत बृहद विषय है, उस पर खूब चर्चा की जा सकती है, लेकिन दर्शकों को निष्कर्ष के लिए मैं इतना कहूँ कि ऐसी ऊर्जा जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट ना किया जा सके, और जो व्यक्ति उस अपने इटर्नल बीइंग होने की फॉर्म को जान ले, और मित्रों जान ले का मतलब है कि जितने भी वैदिक कर्मकांड या दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में जितने कार्य किए जाते हैं उनका हेतु सिर्फ यही है कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्म उपलब्ध है, या आत्मज्ञान है, या आत्मनिष्ठ होके किसी काम को करना हो। आत्मनिष्ठ का मतलब सीधे हो गया है कि अब वो परमात्मा में निश्चित हो गया है और परमात्मा की सत्ता और ऊर्जा को भलीभांति जानता है। तो तुम्हें एक बार अग्निश फिर से मैं शुभाशीष देता हूँ कि इतना शानदार प्रश्न आपने किया है जिससे मैं पूरी तरीके से आह्लादित हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।